मैं आपको छोले भटूरे बनाना बताऊंगी। उसके भटूरे बनाने सबसे पहले हम देख रहे थे क्या सामग्री लगेगी। उसके लिए सबसे पहले हमने मैदा ले लिया है। मैदा हमारा 1 किलो है। इसे हमने छन्नी से छान लिया है। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के करीब चीनी ली है, 1/2 चम्मच नमक है, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा, 2 चम्मच दही और सूजी है 1/2 कटोरी। अब हम इन सभी सामग्रियों को अपने मैदे में मिक्स कर लेंगे। अब हम सूजी और मैदे को भी डाल देंगे। सूजी और दही को भी डाल दिए इसके अंदर। हम 2 चम्मच इसमें रिफाइंड ऑयल यूज कर रहे हैं। अब इन सबों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसे पानी से नहीं दूध से गूंथेंगे। लगा के इसे ढककर रख देंगे, जैसे ये थोड़ा फर्मेंट हो जाए। हम इसे 2 घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे। एक बात का ध्यान रखिए कि हमने जो इसमें दूध यूज किया था वो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे था। अगर आप ठंडा दूध का इस्तेमाल मत करें। हमने जो भटूरे का दूध सान के रखा था वो अब अच्छे से फूल गया है और हम इसके भटूरे बनाने शुरू कर रहे हैं। हाथों में हम तेल लगा के इसे एक बार अच्छे से गूंद लेंगे, जिससे इसका एयर बाहर निकल जाए। हमने इसे एक बार अच्छे से गूंद दिया है। अब हम मैदे की लोई तैयार कर लिए बना के। अब इसे हम चकले बेलन पे बेल के तैयार करेंगे भटूरा एक। हमने हमारा भटूरा बेल के तैयार कर लिया है। हमने कढ़ाई पे तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब उसमें हम अपना भटूरा डाल देंगे। हमारा तेल बिल्कुल गर्म होना चाहिए, तभी भटूरे हमारे फूलेंगे। देखिए देखिए हमारा भटूरा बनके तैयार हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। आपको छोले बनाना बताऊंगी। उसके लिए मैंने 1/2 किलो छोला ले लिया था, उसे भिगो दिया था, 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। और हमने यहाँ पे 3 आलू ले लिए हैं जिन्हें हमने छिलका उतार दिया। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के प्याज और 3 हरी मिर्चों को बीच से इस तरह से कट कर लिया है। हम छोलों को कुकर में डाल के बॉईल कर लिया। हमने छोले को कुकर में डाल दिया है। अब हम स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे इसके अंदर। अब हम इसमें पानी डाल लेंगे बॉईल करने के लिए। हमने इसमें उबालने के लिए 1 लीटर तक पानी डाल लिया। अगर आगे ज़रूरत होगा तो हम आगे देख लेंगे। छोला उबल के तैयार हो गया। अब आपको हम दिखा देते हैं ये पक के आएगा। हमने अच्छे से छोले को बॉईल कर लिया है। अब आपको सामग्री दिखा देते हैं इसके मसाले की ग्रेवी बनाने की। ग्रेवी के लिए हमने यहाँ पे 3 मीडियम साइज के प्याज लिए, जिसे हम पीस लेंगे मिक्सी जार में। 3 हरी मिर्चें, 2 टमाटर, 3 टुकड़े अदरक के और 1 गांठ लहसुन, इन सबको हम एक साथ ही मिक्सी में पीस लेंगे। हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है। अब हम इसमें जीरे का तड़का लगा लेंगे। 3 चम्मच के करीब तेल डाल दिया। अब इसमें जीरे का तड़का लगा लेंगे। अब हमने जो पेस्ट तैयार किया था वो हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक ये तेल ना छोड़ दे। अब हम इसमें डाले जाने वाले मसाले के बारे में आपको बता देते हैं। यहाँ पे हमने लिया छोले मसाला, 2 चम्मच के करीब ले लिया हमने छोले मसाले को। यहाँ पे हमने गरम मसाला लिया है 1 चम्मच। हमने लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर का मिक्सचर ले लिया है मिक्स करके। हमारे प्याज के पेस्ट में तेल छोड़ दिया। अब इसमें हम मसाले डाल देंगे जो हमने आपको दिखाए थे। हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। छोले डाल देंगे। हमने जो आलू उबलने के लिए रखे थे हमने उसे मैश कर लिया है। अब इसे हम मसाले में डाल के इसे अच्छे से मिला के पका लेंगे। इसे डालने से हमारी ग्रेवी और ज़्यादा गाढ़ी और अच्छी हो जाएगी, तो इसलिए आप आलू डालिएगा, स्किप मत कीजिएगा। हम इसमें छोला डाल देंगे अपना। इस बात का ध्यान रखिए कि हम छोला उबालते समय इसमें हमने नमक डाल दिया था।
इसलिए आप नमक का ध्यान रखिएगा। हमने छोलों में पानी डाल दिया है और इसे पकने के लिए रख देंगे। आपको जितनी ज़रूरत हो आप उसके आवश्यकता अनुसार पानी डालें। अगर आपको गाढ़ा चाहिए तो आप कम पानी डालें और वरना ज़्यादा डाल सकते हैं। अब हम इसे ढककर पका लेंगे। तैयार हो गया है। अब इसे हम धनिया पत्ती डाल देते हैं और इसे सर्व कर लेते हैं। ये तैयार हो गया है, छोले भटूरे बन के तैयार हो गया है। छोले भटूरों का असली स्वाद तो रायता के साथ ही होता है। हमने रायता भी सर्व कर दिया है, हमने इसके साथ चार और लच्छेदार प्याज भी सर्व किए हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको छोले भटूरे की रेसिपी कैसी लगी है। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ ना समझ में आया तो कृपया हमें कमेंट कर